सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते जी नमस्ते भैया। भैया। नमस्ते सभी साथियों को। और आज हम लोग सेल्फ एक्सप्लोरेशन के 10 यात्रा में 10वें दिन पर हैं। और पिछले 10 दिनों में हम लोगों ने जो चर्चा शुरू किया था वो यहाँ से शुरू किया था कि सुख हमारे लिए क्या है, सुख स्वभाव है या प्रभाव है। फिर हम लोगों ने उस पर भी बात किया कि सुख स्वभाव है तो उसके लिए उसको कैसे देख रहे हैं, प्रभाव है तो उसको कैसे देख रहे हैं। तो 3 बातें ध्यान में आई थी कि यदि अनुकूल आस्वादन, अनुकूल संवेदना से मिलने वाले आस्वादन से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं या किसी से अनुकूल भाव पाकर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये इसके सोर्सेज बाहर हैं और ये प्रभाव से सुखी होने का एक प्रक्रिया है। स्वयं में जो सहज स्वीकृत भाव है उसको समझकर, उसको अपने में सुनिश्चित करके सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये स्वभाव से सुखी होने का प्रयास। तो देखने जाते हैं तो इसी बात को थोड़ा और हम लोगों ने आगे बढ़ाया था कि सुख क्या है, तो सुख को और थोड़ा फैलाया हम लोगों ने कि टू बी इन अ स्टेट ऑफ हार्मनी, व्यवस्था में जीना ही सुख है। जब भी अंतर्द्वंद या अव्यवस्था में जीने के लिए हम बाध्य होते हैं तो ये दुख है। फिर सुख के 3 सोर्सेस पे भी बात हुआ, जो संवेदना से है, भाव से है, सही समझ से है। तो उसमें जो सही समझ और स्वयं में सही भाव ऐसे सुख को जो सुनिश्चित करने का प्रयास है, उसमें निश्चितता है, निरंतरता है, तृप्ति बिंदु है, तृप्ति बिंदु जो है उसकी एक निरंतरता है। लेकिन जो संवेदना से है या दूसरों से भाव पाकर सुखी होने के जो सोर्स हैं, इसमें ना निश्चितता है, ना निरंतरता है, ना कोई निश्चित कंप्लीशन पॉइंट है। इस पर भी बात हुआ। फिर हम लोगों ने समृद्धि पर भी बात किया कि ये जो हमारे घर में सुविधा की आवश्यकता है, हम उसको ठीक ठीक पहचान कर सके, उससे अधिक को सुनिश्चित कर सके, तो ये जो भाव आता है उसको समृद्धि का भाव कहा। फिर पिछले कुछ दिनों से इस पर भी बात हो रही है कि ये जो हमारा मूल चाहना है मानव के रूप में निरंतर सुख समृद्धि, इसको पूरा करने के लिए प्रोग्राम जो होगा वो किस कितने डायमेंशन का होगा, कहाँ कहाँ उसके लिए कार्यक्रम बनाना होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने 3 सोर्सेस पहचाने, 3 जगह पहचाने। एक तो सुविधा, एक संबंध और एक समझ, तीनों पर काम कर पाते हैं तो ये निरंतर सुख समृद्धि की जो हमारा मूल चाहना है उसकी पूर्ति का एक ठीक ठीक कार्यक्रम बना पाते हैं। खाली प्रभाव से जब सुखी होने का कार्यक्रम बनाते हैं तो मेजर फोकस हमारा सुविधा पे हो जाता है, सुविधा से संवेदना, संवेदना पाक के आस्वादन से सुखी होने का एक कार्यक्रम बनता है, सुविधाओं से लोगों का ध्यान पाना और उसी को सम्मान मान लेना और उसके एक्साइटमेंट को सुख मान लेना, फिर उससे सुखी होने का एक प्रयास करते रहते हैं। लेकिन सुख स्वभाव है, जब उसको समझ पाते हैं तो ये ध्यान में आता है कि सही समझ से वो पूरा होगा, संबंध में जो सही भाव है उसको अपने में समझ कर सुनिश्चित करने से वो पूरा होगा। तो ठीक ढंग से तीनों पर ध्यान जाता है, समझ, संबंध और सुविधा, और तीनों के लिए हम प्रयासरत हो पाते हैं। ये जो तीनों के लिए हम प्रयासरत हुए और धीरे धीरे तीनों पे काम करना शुरू किए, तो ये दिखता है कि मानव की तृप्ति इन तीनों से ही हो सकती है, सिर्फ सुविधा से नहीं। तो फिर ऐसे चेतना को मानव चेतना कहा, या कम से कम उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। सिर्फ सुविधा से अगर अपनी सारी आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, शरीर की आवश्यकता को भी, सेल्फ की आवश्यकता को भी, सुख की निरंतरता को भी, वो हो नहीं पाती है। पशुओं के लिए हो सकता है वो पूरा पड़े, आदमी के लिए तो नहीं पड़ सकता है। उसको कहा जीव चेतना। तो इस पर भी चर्चा हुआ कि ये जो शिक्षा है, शिक्षा संस्कार है, उसका ये महत्वपूर्ण काम है जो आदमी जिंदगी का 15-20 साल शिक्षा संस्कार में लगा, का ध्यान इस तरफ जाए कि सुख स्वभाव है, सिर्फ प्रभाव से नहीं होगा, और उसके लिए समझ, संबंध और सुविधा तीनों पर काम करना होगा। इतनी बात ध्यान में आ जाए तो ये ध्यान में आता है कि स्वयं में सही समझ सुनिश्चित करना होगा, स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक का, में व्यवहार मनी का, स्वयं में सही भाव सुनिश्चित करना होगा, संबंध में जो भी संबंध को हम फैलाकर जहां तक भी देख रहे हैं, देखने जाते हैं तो ये परिवार से विश्व परिवार तक फैलता है, तो उसके लिए स्वयं में सही भाव भी सुनिश्चित करना होगा, और सुविधा की आवश्यकता को पहचान कर जो है उसका सदुपयोग करते हुए
जो कम है उसको पूरा भी करना होगा। इतना कार्यक्रम दिखता है तो पूरी शिक्षा हम इतने के को पूरा करने के लिए लगाते हैं। अभी वर्तमान शिक्षा में इन तीनों चारों में से क्या क्या पूरा हो पा रहा है, क्या क्या शेष रह रहा है, अगर इसको भी देखेंगे तो धीरे धीरे शिक्षा में और किन एरियाज में ध्यान देना है, कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करना है विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, परिवारों में, धीरे धीरे हम उस पर ध्यान दे पाएंगे। तो ये सारी बात आप सबके ध्यान में आ सके उसके लिए कल ये अभ्यास आप लोगों के साथ साझा किया गया था, जिसको दीदी ने अभी शेयर किया कि क्या आप अपने जीवन में समझ की पहली प्राथमिकता आपको देख पाते हैं और उसके साथ साथ संबंध दूसरी प्राथमिकता, फिर साथ साथ सुविधा तीसरी प्राथमिकता, इसको आप अपने जीवन में देख पाते हैं, छोटे छोटे निर्णय लेते समय इस प्राथमिकताओं को ध्यान रख पाते हैं। तो जब भी निर्णय लेना है उस समय इन प्राथमिकताओं को देख पाते हैं क्या, छोटे निर्णय में भी बड़े निर्णय में भी। और ठीक उसी तरीके से ये जो संबंध का भाव है उसके फैलाव को आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए, निकट रिश्तेदारों के लिए, और धीरे धीरे और जो परिचित लोग हैं उन सबके लिए भी देख पाते हैं क्या, और उसको आगे बढ़ाएंगे अगर भविष्य में चल के तो जो अपरिचित है उनके साथ भी संबंध है, एक भाव है, उसके लिए भी देख पाते हैं क्या। फिर तीसरा मुद्दा इस पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया था कि आप समृद्धि के लिए जब भी देखने जाते हैं तो सुविधा की आवश्यकता को पहचानना एक मुख्य कार्यक्रम है, और जो सुविधाएं हमारे पास हैं उसका आकलन एक मुख्य काम है, उसका सदुपयोग एक मुख्य काम है, और इसके साथ साथ जितने सुविधा की कमी दिखाई देती है उसको पूरा करने का प्रोग्राम बनाना भी एक मुख्य काम है। इन सारे मुद्दों पर आपका कितना ध्यान गया उसको हम लोग एक एक करके सुनते हैं। नमस्ते सभी को भैया। नमस्ते नमस्ते जी। भैया मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरा जो प्रश्न है वो थोड़ा इस ऑब्जर्वेशन से अभी हटके है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पिछले 3-4 दिनों से मेरी तबीयत खराब है। मैं जब से यूएचवी मैंने किया है तब से मेरा खुद पे काफी कंट्रोल रहने लगा था और काफी मैं मानसिक रूप से शांत रहने लगी थी, लेकिन जैसा लोग कहते हैं कि वायरल के बाद एक चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो अभी मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ कि लोगों पे कई बार मैं जो ना चाहते हुए भी मैं उन पे झुंझला जाती हूँ, उनको कुछ बोल देती हूँ। हालांकि सब मेरे परिवार में सभी मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी भी चीजें अप डाउन हो रही हैं तो मुझे पता नहीं गुस्सा आ जा रहा है। मैं ऐसा करना नहीं चाह रही हूँ, हो जाने के बाद मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि अगर मेरा शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, मैं वायरल है, बुखार है, तो ये जो इस तरह की स्थिति आ जा रही है, मतलब ऐसा क्यों है? क्या ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब शरीर की थोड़ी बिगड़ी हुई स्थिति भी मेरे भाव को कोई प्रभावित ना करे? क्या ऐसा भी संभव है? या जब भी कभी शरीर में कोई बीमारी या कोई रोग होगा तो वो मुझे मेरे भाव को डिस्टर्ब करेगा? ये मेरा भैया प्रश्न था, थोड़ा इसके बारे में मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, ऐसा जी क्यों जी हो रहा जी है? जी तो देखेंगे तो दीदी आप तो 8वें बैच से जुड़ी हैं जैसा मैं देख पा रहा हूँ, तो आपने इस बात पर ध्यान दिया ही है कि मानव का जब भी अध्ययन करते हैं, जिसको हम लोग लगभग कल मॉर्निंग सेशन से उस पर अध्ययन शुरू भी करेंगे फिर से, कि मानव सेल्फ और बॉडी दोनों का को एग्जिस्टेंस, सेल्फ की क्रिया अलग है, बॉडी की क्रिया अलग है, दोनों के पूरा होने का तरीका अलग है, और ठीक ढंग से जब देखने जाते हैं तो दोनों में कोई भी फिजिकल एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। आपने इन सब का अध्ययन भी किया ही होगा, साथ साथ आपने अभ्यास 1 भी किया होगा जिसमें आप सेल्फ को सेल्फ से देख पाए, और जब भी आप सेल्फ से सेल्फ को देखते हैं और उसके साथ वो स्टेप को करते हैं तो उसमें बॉडी की तो बहुत आवश्यकता, बॉडी के किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व करने की कहीं भी कोई आवश्यकता तो पड़ती नहीं है। साथ साथ आपने अभ्यास 2 भी किया होगा कि शरीर के साथ जो ट्रांजेक्शन है सेल्फ का, उसका पूरा अध्ययन है उसमें, और फिर सेल्फ से जो भी इनको बॉडी से जो भी संवेदनाएं हो रही हैं उसको सेल्फ रीड कर रहा है, और वो रीड करे ना करे वो सेल्फ का निर्णय है। तो सारे अभ्यास आपने किए किए होंगे जब आप उन बैचेस में जुड़ी होंगी।
मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और ध्यान दे के आप अगर अपने सेल्फ वाले उन सातों स्टेप के अभ्यास को करेंगे, तो अपने भाव को देखना, उसके साथ आप सहज हैं कि असहज हैं, असहज हैं तो जो भी भाव आप में चल रहा है उसका निर्णय आप ले रही हैं या बाहर की परिस्थितियां आपको लेने के लिए बाध्य कर रही हैं, आप उसको समझ के ले रही हैं या बिना समझे ले रही हैं, समझ रही हैं तो उसका आधार क्या है, मान्यता है या संबंध व्यवस्था से अस्तित्व की स्पष्टता है, अगर वो स्पष्टता है तो क्या है संबंध, क्या है व्यवस्था, क्या है अस्तित्व, उसको अपने में फैला लेना और उसके आधार पर अपने भाव विचार को सुनिश्चित कर। इस अभ्यास को अगर आपका शरीर थोड़ा कमजोर भी है तो और अच्छे से आप बिस्तर पर लेटे लेटे कर सकती हैं, कर सकती हैं। जितना आप इसको अच्छे समय दे के करेंगी उतना आपका भाव स्थिर बना रहेगा और आप अपने अंदर जो बहुत सारा शरीर ठीक होता है तो उसके साथ हम बहुत सारे अपने एक्सपेक्टेशन और अपने इच्छा अनुरूप शरीर को दौड़ा दौड़ा के कर पाते हैं, बाहर के इनपुट को शरीर के माध्यम से ले पाते हैं। शरीर जब भी डिस्टर्ब होता है तो जिस रेशियो में बाहर से हम आस्वादन को ले रहे होते हैं, इनपुट को ले रहे होते हैं, वो थोड़ा बाधित होता है, साथ साथ शरीर की गति भी कम होती है तो हम अपने उस एक्सपेक्टेशन से बाकी चीजों को नहीं कर पाते और दूसरों के साथ वो मैच नहीं हो पाता, उसका इस चिड़चिड़ापन अपने भीतर पैदा होता है। लेकिन अगर इस अभ्यास को आप ठीक से करेंगे जिससे आप गुजर ही चुकी हैं तो धीरे धीरे आप इस स्थिति में भी आराम में बने रह सकते हैं और दूसरों को आराम में लाने के लिए सहयोगी हो सकते हैं। जी दीदी, इतनी बात मैं कहना चाहूंगा आपके प्रश्न के सामने भी और आगे की इस पर संभावना के संदर्भ। जी दीदी, जी भैया ठीक है, मैं प्रयास जारी रखती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ इसको ध्यान से करने की। धन्यवाद भैया। नमस्ते। या तो मैं पुणे से हूँ, तो मुझे एक कहना है कि अभी ये संबंध समझ और सुविधा, ये जी इसको प्रायोरिटी देते वक्त जब भी रिलेशनशिप में मैं कुछ चीजें डील कर रहा हूँ अभी, तो वहां मुझे ये दिक्कत आ रही है कि मैं खुद के ऊपर ज्यादा कॉशियस हो जाता हूँ और ज्यादा वो करते करते सोचता हूँ ज्यादा, तो इसको किस तरह से ये लिया जाए। जी तो हाँ दो स्टेप होता है जब हम अपने पे फोकस करते हैं, दो मुद्दों पर हम दो मुद्दों पर ध्यान देने की अपने भीतर कोशिश करते हैं जब भी हम जो बात आप कह रहे हैं उस स्थिति में। एक तो पर्टिकुलर मोमेंट में क्या करना है, दूसरा कैसे करना है। तो अगर क्या करना है इस प्रश्न का उत्तर ढूंढे बगैर कैसे करना है उस पर लग जाते हैं, तो बहुत तरीके से सोचना पड़ता है, बहुत दिशा कोण लगाना पड़ता है और अपने विचार में ही बहुत सारा समय चला जाता है। एक विधि से कैसे करना है सोचते हैं, तब तक वो लगता है कि इसको नहीं करना, कुछ और करना है, तो ये ज्यादा लोड बढ़ाता है। अगर हम अपने भीतर इस बात का अभ्यास करें कि जो भी काम करना है पहले उस पर क्या करना है, इस प्रश्न को पहले फिक्स कर पाए कि दूसरे का सम्मान करना है कि अपमान करना है, इसको पहले फिक्स कर पाए, रादर इसके कि उसका अपमान कैसे करना है, कितने तरीके से करना है, ऐसे करना है, चुप रह के करना है, चिल्ला के करना है, उसको कुछ बोल के करना है, तो क्या करना है अगर फिक्स हो जाता है तो अननेसेसरी जो बहुत सारा विचार का लोड हम हमारे ऊपर आता है फैलाने का, वो फिर सही व्यवस्थित होने लग जाता है। जी बोल ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अभी भूल गया कुछ रास्ता कि भाई कि दूसरी जी जगह क्या होगा, उसकी जगह क्या चाहते, अगर सम्मान जी और सभी लोग सुख के लिए ही कर रहे, अगर यहाँ खड़ा रह के सम्मान ही सबको मिलना चाहिए तो डेफिनेटली हमारा उसी तरह से रास्ते और बातचीत हो सकती है। जी जी ओके जी धन्यवाद। जी नमस्ते भैया। नमस्ते 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 सभी को। भैया सेशन के साथ जुड़े तो मुझे, मैं 2021 अप्रैल से जुड़ा हूँ मॉर्निंग सेशन से, तो थोड़ा शेयरिंग करना चाह रहा था आपके साथ पहली बार। पर मैं आपको ये भी एक याद दिलाना चाहूंगा, आपको याद ही होगा कि लुधियाना पीसीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में आप अभी एक फेस टू फेस वर्कशॉप करने आए थे बहुत साल पहले, जी जी दो हजार जी बारह के बाद की बात है शायद। जी तो भी आपको सुना था, तो मैं पूरी वर्कशॉप तो अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी कोई जिम्मेदारी थी कॉलेज की, पर मैं काफी
कभी कभी, क्योंकि उसमें होता था कि पूरी वर्कशॉप आपको अटेंड करनी है, तो मैं कहीं कहीं बाहर सुनता रहता था। जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं, हमारा एक बड़ा हॉल था उसको आधा डिवाइड किया हुआ था, तो मैं आधा सुनता रहता था। तो उसमें कई बार आपका जो भी वो सेशन था बड़ा, उसमें मुझे काफी इस पर भी असर हुआ, और हमने फिर कॉलेज में भी काफी इस पे संबंध पे। तो मैं अभी बताना चाहता हूँ कि उससे पहले हम अपने अपने रूम्स में चाय पीते थे, तो उस वर्कशॉप के बाद हमने एक मॉर्निंग में एक ब्रेक था, उसमें सबने चाय इकट्ठी पीनी शुरू किया। मतलब उसमें मेनली संबंध के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। तो ये तो मैं पहले की बात करूंगा। और फिर अब ये जो मैंने आगे भी शेयर किया कई बार, ये जो अभी आपने कहा कि हम विचारों में थकते हैं, क्योंकि अगर पूरा ज्ञान नहीं है तो करने पे ही ज्यादा ध्यान था इतने साल। तो जब से ये स्पेशली ये मॉर्निंग सेशंस हुए हैं तो अंतर्द्वंद कम हुआ है, और संबंधों की सही समझ से संबंध भी दिखने शुरू हो गए। जो संबंध तो पहले ही थे पर दिख नहीं रहे थे, तो करने पे ज्यादा ध्यान था। अब उससे काफी मैं कहूँ कि अपने आप में रिजॉल्व्ड। और रोज कहीं ना कहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो मिलती रहती है, कॉलेज में भी हैं, आप कह रहे थे कितने लोगों से हम संपर्क में आते हैं, तो रोज ये टेस्टिंग तो चल ही रही है। तो मैं बस इतना शेयर करूंगा कि सर इस मॉर्निंग सेशंस ने काफी उपकार रहा, और मैं अपना रोल, अपनी पार्टिसिपेशन, मेरा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फैमिली में तो बढ़ता जा रहा है, और कमिटमेंट है। तो आज की डेट में वो शरीर भी बिल्कुल, मतलब जैसे कह लें भी अपने प्लेस पे हो गया है। जी जी हाँ, काफी मैंने प्रयोग भी किए, तो उस हिसाब से अब काफी अंतर द्वंद्व सारे कम हुए हैं। तो उससे काफी रिजॉल्व होने से अपने आप ही शरीर भी अपनी जगह पे है, और संबंध और सुविधाओं को भी प्लेस कर पा रहे हैं। पर लंबी यात्रा है, कब क्या पता कौन सा संस्कार दोबारा से वापस आ जाए, पर आगे से काफी भैया बहुत बढ़िया है। आगे से मैं बस इतना शेयर करना चाहूंगा। नमस्ते जी। आपका परिवार में जो भी कितने सदस्य हैं इस समय भैया, जहाँ आप रह रहे हैं? भैया हम सब तो पांच हैं, मेरी मेरी वाइफ हैं, मेरे दो बच्चे हैं, और मेरी माता जी हैं साथ में। तो मेरे संबंध काफी बढ़िया। जो बच्चे बच्चे हैं, किस उम्र के हैं भैया आपके? भैया प्लस टू में है मेरी बेटी यशवी, और बेटा उदय प्लस वन में है। और मेरी वाइफ भी टीचर है स्कूल में। एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि परिवार में भी यदि रोज हो सके तो अच्छा है, अन्यथा सप्ताह में कोई एक दिन दो दिन निर्धारित करना चाहिए कि उसमें घंटा दो घंटा हम लोग सब परिवार बैठकर इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और इस पर भी चर्चा करेंगे कि हमारा पूरा परिवार इस बात को समझकर कैसे अप्लाई करे कि हमारा परिवार और व्यवस्थित हो सके और एक व्यवस्थित परिवार के रूप में और सज सके। इस पर कुछ चर्चा शुरू करना उपयोगी रहेगा। दूसरा, विद्यालय में भी जहां आप हैं काफी सीनियर पोजीशन पे होंगे ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि लंबा समय हो गया आपको उस कॉलेज में, तो बहुत सारे साथी आपके ऐसे होंगे जो आपके इस बदलाव को देखकर, आपने इस स्थिरता को देखकर आपके साथ कई बार संवाद करना चाहते होंगे। जी तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी समय निकालकर ऐसा वहां भी एक सप्ताह में घंटा भर फिक्स करें कि जो भी आपके साथी लोग हैं और जो भी विद्यालय में लोग हैं, कभी कॉलेज टाइम के बाद या लंच में या कोई कॉमन टाइम फ्री निकले उसमें आप लोग एक साथ बैठकर सही समझ पर चा कर सकें, लोगों का आप थोड़ा सहयोग कर सकें। तीसरा, ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हॉस्टल्स होंगे आपके कॉलेजेस के, कभी एक सेमेस्टर में कोई दिन ऐसा निकालें कि कोई 4-5 दिन 7 दिन जिसमें हॉस्टल के बच्चों के साथ आप इस पूरी बात को शेयर करें, और आपके साथ अगर कुछ साथी लोग या आपके परिवार के लोग इसमें सहयोगी हो जाएं तो सेमेस्टर में एक प्रोग्राम कम से कम ऐसा कर सकें। तो ये जब तीनों ही दिशाओं में आप काम शुरू करेंगे ना भैया, तो उससे उपयोग उपकार ये होता है कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, वो भी एक्सप्लोर करते हैं और फिर आपसे पूछते हैं। तो अभी आप अकेले अपने में प्रश्न जनरेट कर रहे हैं, उसका उत्तर ढूंढ रहे हैं। जब आप तीनों जगह करने लगेंगे तो परिवार में भी एक्सप्लोरेशन लोग करेंगे, प्रश्न उठाएंगे, साथी लोग भी, बच्चे भी, तो बहुत सारे दिशाओं के एक्सप्लोरेशन में का आपको सपोर्ट मिलेगा, उनके प्रश्न आएंगे, तो आपकी गति और
तेज होगी, तो जो आपने इस बात को कहा ना, कभी कोई संस्कार उखड़ जाता है, जी तो जी जितना हम अपनी भागीदारी को बाहर बढ़ाएंगे भैया इस ढंग से, उससे समझ पर ध्यान रखना ज्यादातर समय संभव हो पाएगा, और ज्यादा डायमेंशंस में बढ़ाएंगे तो उससे जुड़े हुए संस्कार बार बार उखड़ के आएंगे, तो हम उसको और आसानी से जल्दी उसको टैकल कर पाएंगे, अन्यथा वो 10 साल बाद 20 साल बाद आते हैं उखड़ उखड़ के। तो इस रूप में अगर हम अपनी भागीदारी को जहां जहां संभव है वर्तमान स्थिति में रहते हुए अगर बढ़ा पाए, तो बहुत सारे संस्कार जो बहुत दिनों दिनों में 10 10 साल बाद उखड़ते हैं, उनको हम समय रहते ही देख कर ठीक कर पाएंगे, तो हमारी स्थिरता और ठीक होगी और पूरे उस व्यवस्था में समाज में हम और उपयोगी सिद्ध हो पाएंगे। इतना संभावना आपके साथ मुझे लगती है भैया। शुभकामना आपको बहुत बहुत, जी सपरिवार भैया, यात्रा आपकी आगे बढ़े, फिर कभी पंजाब आना हुआ तो आपसे जरूर मिलेंगे हाँ भैया। प्लीज, हम जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मार्गदर्शन। मैं इस पे जरूर, और प्रयास तो मेरा यही है जो आपने बताया है, पर वही आपने बहुत ही अच्छी गाइडेंस दे के आगे इस पे मैं जरूर अमल करूंगा, फिर आपके साथ शेयर करूंगा। जी ठीक है भैया, जी जी नमस्ते, धन्यवाद नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। कौशल किशोर बटोलिया जी आपको सुनते हैं जी। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते कौशल जी, नमस्ते। नमस्ते। ये जो कल का जो दिया गया था असाइनमेंट, इस पे मैं काम किया हूँ, तो मैं वैसे रोज ही कर रहा हूँ और उसको डायरी में लिख भी रहा हूँ। तो जो सही समझ को मैं प्राथमिकता दे रहा हूँ, ये जो स्क्रैम है बिल्कुल दे रहा हूँ। इसमें मुझे 3 से 4 घंटे मेरे लगते हैं इसमें, क्योंकि वैसी और कोई ज़्यादा कमिटमेंट नहीं है। जैसे मैं पुराने जो वीडियोस हैं UHV 2 के या 3 के या और भी हैं, तो उनमें समय देता हूँ। अभी फिलहाल मैं वो अध्ययन का काम कर रहा हूँ। दूसरा, सुविधा की बिल्कुल ये क्रम बना हुआ है, समझ सुविधा संबंध और सुविधा, वो सुविधा तो तीसरे नंबर पे है, और सुविधाओं के लिए अभी मुझे समय देना नहीं पड़ रहा है बिल्कुल, क्योंकि जो है वो पर्याप्त है, वो निश्चितता बन चुकी है। और जो भाव का फैलाव है वो भी बढ़ रहा है, मतलब वो सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं रह गया है, उसका फैलाव अभी मैं देख पा रहा हूँ। और सुविधा की पूर्ति के लिए जैसा मैंने बताया कि वो सब पर्याप्त हैं, तो उसमें मुझे समय नहीं देना है। अब जैसे जो यहाँ पर MP में स्कूल एजुकेशन का काम चल रहा है, तो उसमें ग्वालियर जिले के जो 9 CMRI स्कूल्स हैं, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, तो उनके साथ जो भी टीचर्स के साथ जो भी कंटेंट से रिलेटेड समस्याएं हैं, या इस कॉलेज में स्कूल्स में जाकर के बच्चों से इंटरेक्ट करना, वो कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ। इस साल जो है कुछ ज़्यादा ही उसमें हमारी सहभागिता बढ़ेगी, जैसे कि अब 15 दिन, पिछले बार भी आपके साथ था मैं वहाँ भोपाल में, इस बार भी 15 दिन जो अभी टीचर्स ट्रेनिंग होने वाली है उसमें भाग लूंगा। और बहुत क्लियरिटी बन पाई है इन सब चीज़ों की कि क्या करना है, तो इसके कारण अब ज़्यादा दुविधा नहीं रह गई। हाँ, थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, तो उसको भी मैं पहचान पा रहा हूँ। और इन जो जो ये 3 चीज़ें हैं, इन पे जो मुख्य रूप से काम करना, और सुख स्वभाव वाली जो बात है वो कुछ हद तक दिखने लगी है। हाँ, कभी कभी प्रभाव में आ जाता हूँ, ये नहीं है कि वो 100% हो पाया है, लेकिन ये निश्चितता जरूर बनी है कि हाँ, ये करने लायक काम है और करूँगा। तो बाकी अभी जो उद्देश्य बन गया है, जो समय बचा है शरीर यात्रा का, वो मुझे पूरी तरह, मैं कमिटेड हूँ, और अगले सत्र से थोड़ा और इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा मेरा स्कूल्स में। वो कोशिश करूँगा कि मैं अपने यहाँ एक वीकली मीटिंग्स का भी, ग्वालियर में काफ़ी लोग हो गए हैं ट्रेंड, एक तो 9 स्कूल के अभी 18 टीचर्स तो हैं ही ट्रेंड, और दो दो, दो तीन तीन और ट्रेंड होने वाले हैं, तो ये काफ़ी संख्या अच्छी बन जाएगी। और फिर बाकी लोकल लोगों को भी, जैसे राजानंद संस्थान से जुड़े लोगों को भी उस पे इन्वॉल्व करने का प्लान है। तो ये भैया मेरी तरफ से शेयरिंग थी। जी भैया, और मैं आपकी शेयरिंग को देख भी पा रहा हूँ क्योंकि आपकी इस यात्रा में सहयात्री रहा हूँ मैं, तो काफी स्थिरता और निश्चितता के साथ आप इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, और एक तरह से देखेंगे तो लंबा समय आपने अपने साथ लगाया होगा। हाँ, ये तो है। हाँ, मैं 21 से जुड़ा हूँ इसमें, और जुड़ा हूँ तब से पूरी तरह जुड़ा हूँ।
जैसे कि सुबह का सत्र पूरे में 2 घंटे दोनों सत्रों को अटेंड करना, और बाकी जो भी इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं वीकली मीटिंग्स, जैसे यहाँ अभी जो है मॉडरेशन का काम मेरे पास है, तो मैं फ्राइडे की मीटिंग को जो टीचर्स के साथ होती है उसको भी मैं साथ देता हूँ, और सारांश रखने का काम भी मेरा ही रहता है। तो इस तरह जुड़ाव बना हुआ है और चल रहा है, मैं जुड़ा रहूंगा इससे। तो एक अच्छी संभावना बनी है पूरे जिले का, आप जिम्मेदारी भी स्वीकारे हैं, लेकिन अब आपकी स्थिति जैसे जैसे एक तरह से बिखर रही है, मैं तो आपको कहूंगा कि मात्र आप खाली ग्वालियर जिले का ना सोचें, पूरे मध्य प्रदेश का सोचें, और पूरे मध्य प्रदेश में आपके तरह जो लोग भी तैयार हुए हैं, जो एक एक जिले का सोच रहे हैं, एक एक ब्लॉक का सोच रहे हैं, ऐसे लोगों की एक सूची बनाएं अपने पास, और उन सभी लोगों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कैसे हम इन सभी विद्यालयों को विकसित करने में सहयोगी हो सकते हैं, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों पे जो शिक्षा का खर्च है, मजबूर होकर ऐसे संस्थाओं में जाना पड़ रहा है जहां बहुत धन का खर्च है और कमाई का बड़ा हिस्सा चला जा रहा है, जो समृद्धि के स्थिति में लाने के लिए थोड़ा बाधक बन रहा है। तो मुझे लगता है कि आप लोग का जो समाज पर एक बड़ा व्यवस्था में सहयोग होगा, और आपके साथ की जो टीम है वो तो बड़ी टीम है, बड़े कमिटेड लोग हैं, स्थिर और निष्ठावान लोग हैं। मुझे लगता है कि आप लोग अगर उसको योजनाबद्ध तरीके से 2-4 लोग अगर इसको एक साथ जोड़ देंगे, तो पूरे मध्य प्रदेश में अगले कुछ वर्षों में ये काम हो सकता है, जिसमें मुझे आप एक मुख्य कड़ी के रूप में दिखाई देते हैं। आप हैं, उषा व्यास सिंह हैं, लखन लाल असाटी जी हैं, आप लोग की एक मजबूत टीम बन सकती है जो इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से ओन करे। तो पूरा ये शिक्षा के में जो परिमार्जन का काम है वो आप लोग के रहते रहते हो पाएगा, और समाज की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करके आप अगली पीढ़ियों के लिए उसको सुनिश्चित कर पाएंगे। जी सर भैया, डेफिनेटली भैया, बिल्कुल हम लोग इस पे विचार करेंगे, अभी मिलेंगे ही हम लोग भोपाल में, तो फिर से उसको करेंगे, नई तरीके से प्लान करेंगे। बस धन्यवाद भैया जी। भैया नमस्ते, गुड मॉर्निंग भैया, आपके साथ मैं भी रही हूँ आपके साथ UHV सेशन में भोपाल में, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आवाज सुनकर, और हम निरंतर आपके मार्गदर्शन में UHV कंटेंट ले जा रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं संबंध दिखाई देने लगा है। अभी स्कूल में मेरी थोड़ी सी घटना हुई कि किसी तरह से विरोध मेरे मन में आ गया, और थोड़ा घटना को दीदी संक्षेप में रखकर नियम पर फोकस रहेंगे तो कम समय में ज्यादा सार्थक बात हो पाएगी। बिल्कुल, वही घटना ऐसी हुई कि मेरे पीरियड ज्यादा हुए और बाकी लोगों को 2-2 दिन बुलाया जा रहा था, मुझे पूरे हफ्ते बुलाया जा रहा था, और वो मैं अपनी जिम्मेदारी समझ भी रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा ये बोला अपनी तरफ से कि मेरे सब्जेक्ट के और भी टीचर हैं, तो डिवाइडेशन कर दीजिए, 2-2 दिन सबको दिए जा रहे हैं, तो मुझे भी 2 दिन दे दीजिए और संडे को मत बुलाइए। तो इस तरीके से सामने वाले मतलब नहीं सुना और विरोध हो गया, थोड़ा हमारी तरफ से भी प्रतिक्रिया हो गई। जस्ट उसके कारण मैं 2-3 दिन से बहुत डिस्टर्ब रही और बहुत तनाव रहा, पर और मैंने फिर अपने मन में सोचा, मैंने खुद पर ध्यान दिया, तो ये सोचा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मतलब ये तो मेरी जिम्मेदारी थी, ठीक है जब नहीं होता तब मैं बोल देती, आराम से बोल देती, और इतना विरोध नहीं होता, इतनी प्रतिक्रिया क्यों दी मैंने। जब कभी कभी ये हो जाता है भैया, तो खुद के अंदर खुद को दोष देती हूँ और कुछ नहीं रह जाता फिर, मतलब ये हो जाता है कभी कभी, और उसके बाद ध्यान जाता है तो ठीक भी करने की कोशिश करती हूँ, और वो धीरे धीरे मैं वो काम भी करती हूँ। बच्चों के बीच में ये बच्चे मुझे बहुत मतलब अटैच पाते हैं, अपनी हर क्लास के बच्चे मुझे बुलाने लगते हैं, ये मैं बच्चों के प्रति तो मैं आश्वस्त हूँ कि मैं दे पा रही हूँ, परंतु कभी कभी स्टाफ में ये हो जाता है विरोध, लेकिन इतना नहीं होता है, और मैं भी जा रही हूँ और संबंधों पर मैं बहुत ध्यान दे रही हूँ, और अब तो सुविधा के प्रति बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब क्या मतलब है, इतना सारा देख के कि इतना सारा है घर में, क्यों ये मैंने खरीदा, क्यों इतना जोड़ के रखा, इस टाइप से अब ये भाव आ गया है, और दूसरों के हेल्प और दूसरों के देने का भाव बहुत बना हुआ है और रहता है कि कब क्या दे दे,
पर कभी कभी जो नियम के भेदभाव या पक्षपात दिखता है मुझे, तो वहां मेरा विरोध प्रतिक्रिया हो जाती है, उसको मैं कैसे रोकूं, वो उस पे जी और काम करता है। जी जी दीदी, प्रतिक्रिया में हम इसलिए चले जाते हैं क्योंकि जो भी बाहर अव्यवस्था हो रही है वो हमको एक तो जी स्वीकार नहीं होती, और उसकी जगह चीजें ठीक कैसे होंगी उसका हमको कोई मार्ग भी नहीं दिखता, तो हम प्रतिक्रिया में चले जाते हैं और कुछ प्रतिक्रिया कर बैठते हैं, क्योंकि जो समस्या दिख रही है वो तो स्वीकार है नहीं, समाधान कैसे निकलेगा, व्यवस्थाएं कैसे ठीक होंगी उसका कोई उपाय भी नहीं दिखता। तो सामान्यतः जब समस्या आती है तब हम उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसलिए कभी मिल पाता है कभी नहीं मिल पाता, और हमको बहुत सारी अपने भीतर डिसहार्मनी और बाहर अव्यवस्था झेलनी पड़ती। मुझे लगता है कि यदि कुछ जी इस तरह के कार्यक्रम को सोच पाए कि यदि आजकल विद्यालयों में टीचिंग का काम नहीं चल रहा है, एग्जामिनेशन वगैरह चल रहा होगा, तो जिस समय थोड़ा एकेडमिकली रिलेटिवली कम है लोड विद्यालयों में, तो कुछ जी साथी लोग जो आसपास के हैं, जैसे ग्वालियर में देखें तो अपने कुशल जी हैं, कौशल जी हैं, और साथी लोग भी देखेंगे तो आपके जिले में होंगे, ऐसे लोगों को कभी घंटे भर के लिए विद्यालय में बुलाएं और साथियों के साथ इस समझ संबंध सुविधा, इस कम से कम मिनिमम एक सेशन की चर्चा रखें वो, और फिर आपस में संवाद हो, और दो चार बार इस तरह के कार्यक्रम का रिपीटिशन हो, तो जितने भी विद्यालय में शिक्षक और कर्मचारी गण हैं उनमें से 10-20 लोग ऐसे निकल आएंगे जो अपने तरफ से ही कहेंगे कि हम लोग तो इस पर सप्ताह में कम से कम हर सप्ताह घंटे भर इस पर समय लगा सकते हैं, और फिर धीरे धीरे अगर आपकी स्वीकृति उनके बीच हो जाती है तो आप इस मीटिंग को अपने भी स्कूल में सप्ताह में घंटे भर के लिए, आधे घंटे के लिए, लंच टाइम में कुछ फिक्स करके आगे बढ़ा सकती हैं, तो धीरे धीरे विद्यालय में जो व्यवस्था के लिए सोचने वाले लोग हैं उनका भाव पर ध्यान जाएगा, अपने स्वभाव पर ध्यान जाएगा, और वो लोग को स्वयं में व्यवस्थित होकर पूरे स्कूल की व्यवस्था के लिए ठीक ढंग से सोच पाएंगे, इतनी मुझे संभावना के रूप में दिखती है। जी जी भैया, जी भैया, आप बिल्कुल, आपके सुझाव को मैं बिल्कुल करूंगी और प्रयास करूंगी खुद में और विद्यालय में भी। जी थैंक यू भैया। नमस्ते भैया, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्ते भैया, ये थोड़ा सा एक छोटा सा इंसिडेंस और अपनी दुविधा को शेयर करना चाहती हूँ कि जी, इंसिडेंस को जैसे कि देखिए, और हाँ इंसिडेंस जो हुआ है उसको थोड़ा ब्रीफ में रख के, हाँ दुविधा को बिल्कुल फोकस ब्रीफ में, में बिल्कुल ब्रीफ रखेंगे में तो भैया। ज्यादा हाँ जी सार्थक बात होगी। जी हाँ नहीं, अभी ये दो एक दिन पहले जो हमें असाइनमेंट मिला था कि समझ संबंध और सुविधा में आपने किसको प्राथमिकता दी, तो ये मैं शेयर करना चाहती हूँ। और ये अक्सर हो रहा है परिवार में, अभी तो मेरी बेटियां दोनों बाहर रहती हैं, पर अभी छोटी बेटी आई है, तो आजकल अब मुझे लगने लगा है कि सही समझ से अगर रहा जाए तो हम बहुत कुछ, हमें नहीं खरीदना है या जरूरत नहीं है या जिस किसी चीज की, जब से मैंने UHV ज्वाइन किया है तो क्यों करना, और उससे हमें कितनी कंटिन्यूअस हैप्पीनेस मिलने वाली है। तो भैया ऐसे ही 2 दिन पहले बेटी का वो था कि मूवी जाना है साथ में, तो मैं मैं चली तो गई, क्योंकि हर चीज के लिए मैं बोलती हूँ तो उनको लगता है कि मम्मी तो अब कुछ करती नहीं है, मम्मी तो हमेशा एक लेक्चर ही देती हैं। तो एक गुड़गांव में एक मूवी जाना है एनॉक्स में, एक अच्छा खासा 2,500 से 3,000 रुपए का खर्च हमने किया भी, लेकिन मैं खुश नहीं थी और मैंने उसको फिर समझाया भी, तो और ऐसा कई बार हुआ है। तो सही समझ से रहने के लिए संबंध कहीं ना कहीं वो हो जा रहे हैं, और संबंधों को देखो तो सुविधा पे ज्यादा चला जाता है कि सुविधा को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, और ऐसा छोटी छोटी चीजों में होता है। क्योंकि पहले UHV के पहले तो मैंने मैं हमेशा से ही बोलती हूँ कि अपने आप को बहुत नियमित और उसमें रखो, और कब क्या जरूरत है, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, किसी भी चीज में अगर जरूरी नहीं है तो उसको क्यों खर्च करना या क्यों लेना, और ऐसा, और अपना वैसे चलो एक आम आदमी की तरह। तो और अभी ज्यादा बोलने लगी हूँ तो एक थोड़ा सा वो आ जाता है, बच्चों को तो शायद वैसी परवरिश नहीं है पहले से, तो उनको लगता है कि मम्मी तो हमेशा मुझे बोलती रहती है और
ये करती रहती है। तो उस दिन भी यही हुआ, मूवी जाके मैं खुश खुश नहीं थी। आके मैंने बोला कि ये तो अभी तुमको क्या बहुत अच्छा लग रहा है, और ये हम इसको हम और कोई एंटरटेनमेंट करते या कुछ करते, या ये पैसे हम तुम्हारे उसमें भी, तो मतलब वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो गई। तो इसके लिए बस एक दुविधा सी रहती है। तो इसके लिए आपका क्या कहना है? ऐसा होता है कि जी ठीक जब हम बात है दीदी, ठीक बात है। हम आपकी बात पूरी हो गई, कुछ जोड़ना चाह रही हूँ? नहीं, बस मैं यही कह रही हूँ कि अगर हाँ मैं सुविधा को प्राथमिकता नहीं देती हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, पर संबंधों में वो आ जी जाता है जी आ जाता है। बस। और जब भी जी हम इस पूरे बात को सुनते हैं तो हमको इस पूरी यूएचबी के कंटेंट को सुनने के बाद एक बड़ी संभावना दिखाई देती है, स्वयं में व्यवस्थित होकर, परिवार में व्यवस्थित होकर जीने के रूप में। जी भैया, जी भैया। और हम और उस संभावना को बहुत जल्दी एक्चुअलाइज करना चाहते हैं, और पूरे परिवार को, एक एक व्यक्ति को, खुद भी हम इसके सहयोग से व्यवस्थित जल्दी होना चाहते हैं। उसमें कई बार हम थोड़ा चूक करते हैं, जिससे परिणाम एक समय के बाद नहीं आते या फिर बिगड़ने लगता है। तो क्या चूक होती है दीदी? देखेंगे तो हम टीम काम करना चाहते हैं उस पूरे कंटेंट को सुनने के बाद। एक तो स्वयं में व्यवस्थित होना चाहते हैं, अर्थात अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज को सही करना चाहते हैं। एक नंबर पे सही समझ, फिर दो नंबर पे सही भाव, तीन नंबर पे सुविधा। जितना हमको सही समझ, सही भाव से सुख मिलने लगेगा अपने में स्वभाव से, उतना हमारी सुविधा पर निर्भरता स्वतः ही कम होने लग जाता है। जी और एक्साइटमेंट रिलेटेड कार्यक्रम की हमको आवश्यकता नॉन बहुत ही कम या न के बराबर या समाप्त हो जाती है। ये हम अपने में देख सकते हैं, लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने में सही समझ और सही भाव को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। तब आपको सुविधा की जरूरत कम दिख रही है या बहुत ही चिन्हित दिख रही है, और एक्साइटमेंट रिलेटेड कार्यक्रम में जाना अब आपकी व्यवस्था नहीं दिख रही। लेकिन हम जब इस बात को परिवार में कहने जाते हैं, परिवार के सदस्य ने अगर स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक की व्यवस्था को समझने का काम नहीं किया है, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल, इस तरह के भाव हैं, इन भावों की गहरी चर्चा को नहीं सुना है, उस पर ध्यान नहीं दिया है, तो जब आप उसको ये कहते हो कि ये एक्साइटमेंट वाला काम है, इससे सुख नहीं होगा, ये सुविधा से सुख नहीं होगा, उस बेचारे के पास तो अभी वही एक माध्यम है सुखी होने का, स्वभाव वाले से तो वो परिचित भी नहीं है, तो उसके सुख को भी नहीं उसको चिन्हित कर पाता, देख पाता। जो मिल रहा है वो भी आप बार बार टोक टोक के बाधित कर देते हैं, तो उसको लगता है कि आप उसके सुख के दुश्मन हो गए, तो फिर वो आपसे एक इरिटेटेड स्टेट में चला जाता है, पर एक पॉइंट के बाद आपको सुनना भी बंद कर देता है कि आप तो कुछ आदर्शात्मक बातें कर रही हैं, त्याग की बातें कर रही हैं। ऐसे में परिवार में अव्यवस्था होने लगती है। इसमें मुझे जी जो भैया, उपाय उपयोगी दिखता है वो ये दिखता है कि बजाय हम दूसरों के एक्साइटमेंट के प्रोग्राम को की समीक्षा करके उसे बेकार ठहराएं, बजाय हम दूसरों की सुविधा को कम करने के लिए बार बार आग्रह करें, बजाय हम दूसरों की सुविधा से सुख नहीं मिल सकता इस पर बार बार कमेंट करके उसको इरिटेट करें, उसकी जगह दिन भर में जब भी हमको समय मिल रहा है उसके साथ संबंध के भाव को ठीक बनाए रखते हुए सही समझ के जो मुद्दे हैं, सुख से लेकर, स्वयं से लेकर, परिवार से लेकर, समाज से लेकर, सारा प्रकृति अस्तित्व तक, उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अगर बार बार उससे चर्चा कर सके, वो जो भी अपने प्रश्न उठाती है अपने जिंदगी का, उसमें सही समझ के बात को प्रस्ताव के रूप में उसके सामने रख सके, तो धीरे धीरे परिवार के सदस्यों का ध्यान सही समझने की आवश्यकता पर जाता है, और जब वो उसको समझ पाते हैं तो अपने भाव को ठीक करने लग पाते हैं, उससे उनको सुख का एक और स्रोत पता लगता है, फिर स्वतः ही उनका एक्साइटमेंट का जो प्रोग्राम है उस पर जो मजबूरी है अभी डिपेंड करना, वो कम होने लगता है, और सुविधा पर जो मजबूरी है डिपेंड करना आज के दिन, वो भी स्वतः ही धीरे धीरे व्यवस्थित होने लग जाता है, और बिना बड़े हलचल के आपका पूरा परिवार व्यवस्था की तरफ बढ़ने लगता है, फिर मिलजुल कर वो पूरा परिवार 10 और परिवारों के साथ धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाता है, तो समाज में व्यवस्था के स्रोत के रूप में भी परिवार आपका निखर के आता है अगले 2 4 5 साल। लेकिन धैर्य से करेंगे तो ये सब परिणाम आएगा, बहुत हड़बड़ाएंगे तो परिवार में व्यवस्था की जगह अव्यवस्था भी फैलने लगती है। दीदी, मैं अपने जब तरफ से जो देखा हूँ 15 साल में, उसके उसके
उसके क्या कहते हैं निष्कर्ष के रूप में इस बात को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इस पर यदि आपको कुछ कहना है तो समझ कह सकते हैं। नहीं, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रही हूँ भैया। और ये यूएचपी के पहले भी मैं अपने परिवार में मैं ही एक मिनिमलिस्ट हूँ कि जब तक बहुत जरूरत नहीं है तब तक क्यों करना। मिनिमलिस्ट भी बहुत ठीक नहीं है शब्द दीदी। मिनिमलिस्ट की जगह ये कहना पड़ेगा, मिनिमलिस्ट का मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि कम में काम चलाना। यहाँ यूएचपी हाँ में तो हम लोग कम में काम चलाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो ये बात कर रहे हैं कि जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा तो अधिक हो, लेकिन आवश्यकता 10 की है तो 10 हो, 2 से काम क्यों चलाना। अच्छा ओके ठीक है दस भैया, हो मैं तो ये 12 हमारे पास। इस बिंदु पे मैं जी और विचार करूंगी। ठीक है भैया, ठीक है जी ठीक है। तो ठीक मेरा मेरा वैसा ही सोचना है, और अभी मैंने इसको इस तरह से समझा है तो वो थॉट और ज्यादा हो गया है। तो अब मुझे ऐसा जी लगता है हर चीज में कि काम चल रहा है ना, हो जाएगा, क्या जरूरत है। और ये हम कहीं और भी किसी की मदद में लगा सकते हैं, तो हमेशा एक वो सोशल वर्क वाला कीड़ा भी रहता है। तो मतलब सोशल वर्क दीदी सिर्फ सुविधाओं को शेयर करके नहीं होता, भाव के लिए भी लोग अपने में तैयार हो सकें वो उससे बड़ा सोशल वर्क है। जी समाज जी में लोगों की समझ ठीक हो जाए ये उससे बड़ा सोशल वर्क है। समहाउ ये बात पता नहीं कैसे स्टेब्लिश हो गई, उसका अध्ययन करना चाहिए कि सोशल वर्क सुविधाओं से ही हो सकता है। इस बात को अपने को थोड़ा और ठीक ढंग से इवेलुएट करने की जरूरत लगती है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, मैं इस पे और विचार करूंगी, और जी बस यही कहना था। धन्यवाद, थैंक यू। और भी कुछ साथी लोगों के हैंड रेज हैं, लेकिन ऑलरेडी मैं 5 मिनट डिले 7 मिनट डिले हो गया हूँ। कंटेंट आगे बढ़ाना है तो बाकी लोगों से कल बात करेंगे। प्रिया दीदी आप स्लाइड शेयर कर सकती हैं क्या? जी भैया, मैं शेयर करती हूँ। जी भैया इस स्लाइड से चलें क्या? थोड़ा एक बैक हो जाइए फिर इस पर आइए। जी ये तो ठीक है? हम लोगों ने कल, हाँ, कल हम लोगों ने इस बात पर चर्चा किया था कि समझ का स्वयं में सही समझ का क्या फैलाव है, संबंध में न्यायपूर्वक जीने का परिवार से लेकर विश्व परिवार तक फैलाव है, और प्रकृति समग्र के साथ परिवार व्यवस्था में जीते हुए विश्व परिवार व्यवस्था तक जीना एक दूसरा फैलाव है, और इसका जो आउटकम है वो उभय सुख और उभय समृद्धि जो अंतत्वगत्वा अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था तक फैलता है। तो काम तो हम मानव चेतना पर कर रहे हैं, एक एक इंडिविजुअल के विकास पर कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे फैल कर अखंड समाज तक जाता है, मानवीय सार्वभौम मानवीय व्यवस्था तक जाता है। ये कैसे जाता है इसको थोड़ा और समझने का काम करते हैं। तो दीदी अगली स्लाइड पे आ जाए। जी तो ठीक ढंग से देखें तो हम सभी अगर अपनी चाहना को देखें तो हम सभी एक मानवीय समाज चाहते हैं। मानवीय समाज का क्या आशय है? मानवीय समाज का आशय है जो जो व्यवस्थित परिवारों के समूह के रूप में हो, तो परिवार स्वयं में भी व्यवस्थित हो, परिवार के लोग भी हारमोनी में हो, और एक परिवार व्यवस्थित हो, और जो परिवारों का समूह है ना, छोटे 10-20 परिवारों के समूह से लेकर विश्व परिवार समूह, तो आपस में व्यवस्थित कब रह सकते हैं? जब उनके लक्ष्य समान हो या लक्ष्य आपस में परस्पर विरोधी हो या विपरीत हो, विपरीत होंगे तो विरोधी हो ही जाएंगे देर सवेर। तो धीरे धीरे दिखता है कि अगर परिवार समूह को या पूरे विश्व परिवार समूह को कुछ समान लक्ष्य दिखाई देते हैं तो वो सभी परस्पर पूरकता के साथ धीरे धीरे जीने का कार्यक्रम बना पाते हैं, और एक व्यवस्थित समाज धीरे धीरे बनता है जिसको हम आप मानवीय समाज कह रहे हैं। तो ये व्यवस्थित समाज कॉमन लक्ष्य है ना, समान लक्ष्य दिख जाने पर और उसके लिए ठीक ठाक कार्यक्रम बन जाने से संभावना बन पाती है। तो अगर उस कॉमन लक्ष्य को देखने जाएं तो क्या मानवीय समाज का एक समान लक्ष्य हो सकता है? तो वो क्या हो सकता है अगर देखें तो उसको 4 लक्ष्य के रूप में लिखा है कि समाज के हर व्यक्ति में सही समझ सही भाव हो, हर परिवार के लिए समृद्धि का कार्यक्रम हो, समाज का जो लोग हैं उनका आपस में विश्वास हो अभय हो, और प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता हो सह अस्तित्व हो।
तो आप लोग भी इसको जांच कर देख लें कि समाज में कॉमन लक्ष्य के रूप में हमको ये सहज रूप से स्वीकार होता है या नहीं। एक बार ये लक्ष्य हम ठीक से देख पाते हैं जांच के, तो फिर इसके लिए कार्यक्रम भी बना पाते हैं और धीरे धीरे उस कार्यक्रम को एग्जीक्यूट भी कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप व्यवस्थित परिवारों का समूह दिखाई देने लगता है घर के आसपास, महाविद्यालयों में जहाँ कार्यस्थल है, और फिर हमारा जो प्रयास है वो इस मानवीय समाज के लिए एक प्रयास आगे उसको बढ़ा पाता है और धीरे धीरे समाज मानवीय समाज के रूप में विकसित हो पाता है। इसके लिए देखने जाएंगे तो जो ये व्यक्ति में विकास का कार्यक्रम है, अगर वो ठीक से हो पाता है तो ये मानवीय समाज में भी अर्थात समाज में भी विकास का काम हो पाता है। और ये कब होता है? अगर हमको एक एक व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाए कि स्वभाव सुख है, प्रभाव से जो सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं उसमें निश्चितता निरंतरता नहीं हो सकती, और ये स्वभाव जो है वो हमको सही सही समझ में आ जाए, वैसा भाव सुनिश्चित हो जाए, तो हम सुखी हो सकते हैं। एक बार जब ये समझ में आ जाता है तो प्रभाव के लिए जो सुविधा पर डिपेंडेंसी है, दूसरों से भाव पाने के लिए जो बहुत तरह की सुविधा पर इतनी डिपेंडेंसी है, वो स्वतः ही मूल्यांकित हो जाती है और सुविधा की आवश्यकता हमको निश्चित दिखने लगती है। तो हमको समृद्धि एक है ना अचीव कर पाने वाली वास्तविकता के रूप में दिखने लगती है, जैसे ही हम स्वभाव से सुखी होने को कार्यक्रम के रूप में देखते हैं तो समृद्ध होने की संभावना ज्यादा पॉसिबल दिखने लगती है। और फिर अपने में जब भाव ठीक होता है हम उससे सुखी होते हैं, और दूसरे जो अपने भाव खराब करके बेचैन हैं उनके सहयोगी हो पाते हैं, तो जितना हम उनका सहयोग कर पाते हैं, अपनी स्थिरता को बनाए रख पाते हैं अपने भाव के आधार पर, धीरे धीरे हमारे और उस व्यक्ति के बीच में विश्वास और ठीक से स्टैब्लिश हो पाता है। हम विश्वास के साथ, उस विश्वास के भाव के साथ उसके साथ प्रस्तुत हो पाते हैं, उसका वो आराम पाता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे स्वभाव से सुखी होने के स्रोत के रूप में हमने अपने भीतर पहचाना और वो समृद्धि के रूप में भी रिफ्लेक्ट हुआ, और धीरे धीरे समाज में वो अभय के रूप में भी अभय भी उससे सुनिश्चित होने लगता है और भाव भी एक तरह से विश्वास का स्टैब्लिश होने लगता है। जितना समाज में प्रभाव से सुखी होने का प्रयास चलता है, चाहे संवेदना से या दूसरों से भाव पाने का, उसमें बहुत सारा छीना झपटी है, बहुत सारा डोमिनेंस है, बहुत सारा विरोध है, उससे समाज में भय बना ही रहता है। एक बार हमें सही भाव से सुनिश्चित होकर स्वभाव से को सुनिश्चित करके सुखी होने का प्रयास शुरू हुआ, सुविधा की आवश्यकता को हम ठीक से चिन्हित कर पाए, तो प्रकृति से कितनी सुविधा लेनी है, शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के अर्थ में जितना आवश्यक है उतना लेते हैं, अन्यथा नहीं लेते। उससे प्रकृति पे जो बहुत दबाव पड़ रहा था वो भी नहीं पड़ता है, और प्रकृति के साथ हम परस्पर पूरकता का निर्वहन कर पाते हैं। तो एक तरह से काम तो स्वभाव और प्रभाव को अपने भीतर ठीक से पहचान कर ठीक कार्यक्रम में लगने का है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो समाज के चारों लक्ष्यों पर जाता है। समृद्धि भी हमारे लिए संभव दिखती है, अभय के लिए भी हम आगे बढ़ पाते हैं, और सअस्तित्व की दिशा में भी, सअस्तित्व के लिए परस्पर पूरकता के अर्थ में प्रकृति के साथ भी स्वतः ही बहुत कुछ कर पाते हैं। तो इसलिए काम तो स्वयं में स्वभाव और प्रभाव को देखकर सुख को सही सही समझकर अपने में सुनिश्चित करने पे हो रहा है, लेकिन उसका जो प्रभाव है, मतलब उसका जो एक तरह से सहयोग है समाज में, एक एक सभी चारों लक्ष्यों पर जा पाता है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग इस बात को समझ पाते हैं, शिक्षा के माध्यम से, आपके जनचर्चा के माध्यम से, और भी विधियों से, जो भी स्कूल में कॉलेजेस में परिवारों में छोटी छोटी चर्चाओं के माध्यम से जितना ध्यान जा पाता है कि सुख स्वभाव है उस, और उसके लिए सही समझ सही भाव और सुविधा तीनों पर काम करके उसको सुनिश्चित किया जा सकता है, उतना ये चारों को पूरा किया जा सकता है, उसका धीरे धीरे संभावना दिखने लगती है और धीरे धीरे समाज मानवीय समाज की तरफ गति कर पाता है। लेकिन सुख स्वभाव है ये समझ में नहीं आया, प्रभाव समझ में आया तो हमने मान्यता बना ली कि संवेदना से सुखी होंगे, मान्यता से सुखी, उससे भाव पाकर सुखी होंगे ना, बहुत सारा सुविधा संग्रह करेंगे तो भी हमको संवेदनाएं मिल पाएंगी, भाव मिल पाएगा, तो हम बाध्य हो जाते हैं बहुत सारी सुविधा संग्रह करने के लिए ना। फिर हम धीरे धीरे भोग उन्माद, लाभ उन्माद, काम उन्माद जैसी चीजों में फंस जाते हैं,
और फिर इसको अधिक से अधिक सुविधा को संग्रह करने के लिए, पद का पावर दिखाने के लिए, शासन, शोषण, भय, डोमिनेंस, ये सब की प्रक्रियाएं भी समाज में शुरू हो जाती हैं, जिससे समाज में भय, संघर्ष, आतंकवाद, युद्ध, इस तरह की घटनाएं बड़े बड़े स्केल पर दिखने लगती हैं। और चूंकि हम प्रभाव से सुखी होने के लिए असीमित सुविधा संग्रह का कार्यक्रम बनाने में फंस चुके हैं, तो प्रकृति पर भी ध्यान नहीं जाता। तो देखेंगे तो एक एक विद्यालय, एक एक स्कूल, एक एक घर जितने एयर कंडीशन इस गर्मी में लगा रहे हैं, उससे जितनी गर्मी बाहर वातावरण में पैदा कर रहे हैं, उसके कॉस्ट पे हम अपने घर को थोड़ा ठंडा कर रहे हैं। लेकिन इसका आशय नहीं कि हम एसी ना चलाएं, लेकिन उसका आशय ये है कि इस एसी से बाहर जितनी गर्मी पैदा कर रहे हैं, उसको पचाने के लिए प्रकृति में हमने कुछ उपाय किया कि नहीं, इतने पेड़ लगाए कि नहीं जो ऐसी गर्मी बाहर पैदा करके बाहर फेंक रहा है उसको पेड़ पचा सके। इन सब चीजों पर हमारा ध्यान नहीं रहता, तो प्रकृति में प्रदूषण, संसाधनों का अभाव, तमाम तरह की समस्याएं दिखाई देने लगती हैं। और ये सब एक तरह से अमानवीय समाज के लक्षण हैं, क्योंकि समाज का एक भी व्यक्ति ये सब चाहता नहीं। हम इसको अपने भीतर देख सकते हैं कि हम मानवीय समाज का ये जो येलो एरिया है वो हमको सहज स्वीकार है, या जो अमानवीय समाज के रूप में ब्लैक एरिया है वो हमको सहज स्वीकार है, और हम इन दोनों में किस पे ऑपरेट कर रहे हैं। और इस ब्लैक एरिया में अगर लोग ऑपरेट कर रहे हैं या हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो येलो एरिया में आने के लिए सुख स्वभाव है या प्रभाव है, उसको गहरे से अपने भीतर देखना और उस पर काम करना इसके लिए उपयोगी है, एक रास्ता है या नहीं, उसको तय कर सकते हैं। दीदी नेक्स्ट स्लाइड। तो जितना ही हमारा सुख स्वभाव है इस पर ध्यान जाता है, हम अपने स्वभाव को समझने पर काम शुरू करते हैं, सहज स्वीकृत भाव को अपने में समझने का काम शुरू करते हैं, धीरे धीरे इससे हमारी चेतना में विकास होता है। तो जो चेतना है वो सुविधा ओरिएंटेड चेतना से समझ, संबंध और सुविधा ओरिएंटेड चेतना के तरफ संक्रमण हो पाता है। इसी को कहा जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण हो पाता है। उससे प्रभाव से सुखी होने की जगह स्वभाव से सुखी होना एक कार्यक्रम के रूप में दिखता है। उससे हम सुविधा की आवश्यकता को भी चिन्हित आसानी से कर पाते हैं, भाव को भी परस्परता में व्यक्त कर पाते हैं, जिससे अभय भी हो पाता है और प्रकृति के साथ भी परस्पर पूरकता को सुनिश्चित करने में सफल हो पाते हैं, जिससे सहअस्तित्व प्रकृति के साथ हो पाते। उससे ये जो चेतना में विकास हुआ, उससे देखेंगे तो व्यक्ति व्यक्ति में विकास हुआ, और ये जो चारों लक्ष्यों के लिए हम काम कर पाए उससे समाज में विकास हो पाता है। और ये दोनों ही विकास के लिए शिक्षा, मानवीय शिक्षा आवश्यक है। मानवीय शिक्षा का आशय ये है मानव जिससे अपनी मूल चाहना को पूरा कर सके, उस पर आधारित शिक्षा। और मानव की मूल चाहना तो निरंतर सुख समृद्धि है, और निरंतर सुख समृद्धि स्वभाव को सुख के स्रोत के रूप में समझकर उसके लिए काम करने से होगा या प्रभाव से होगा, ये देखना हो। अगर प्रभाव से सुखी होंगे ये ध्यान में है, तो पूरी शिक्षा इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए लगाते हैं, अर्थात लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके, जिससे वो अधिक से अधिक अनुकूल संवेदना पा सके, इसके लिए शिक्षा को डिजाइन करते हैं। अधिक से अधिक लोग सुविधा जुटा सके, अधिक से अधिक लोग पद में पद पा सके, बड़े पावर पा सके, जिससे लोगों का ध्यान पा सके, सम्मान पा सके, तो एक तरह से शिक्षा उसके लिए डिजाइन करते हैं। लेकिन सुख स्वभाव है ये ध्यान में आ जाए तो शिक्षा का केंद्र होता है कि आदमी को स्वयं से लेकर इंटायर एग्जिस्टेंस तक की व्यवस्था समझ में आ सके, वो खुद में अपने स्वभाव को सुनिश्चित करके सुखी हो सके और समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व के लिए अपने प्रयास को आगे बढ़ा सके। तो पूरी शिक्षा को ही समझ, संबंध और सुविधा तीनों को केंद्र में रखते हुए डिजाइन करते हैं, और धीरे धीरे उस शिक्षा से गुजरने वाले लोगों के चेतना में विकास हो पाता है, व्यक्ति विकसित होता है, तो धीरे धीरे समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व के चार बाकी लक्ष्यों के लिए भी काम शुरू होता है, समाज में भी विकास धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होता है। तो देखेंगे तो ये परिवार में भी इसको देखेंगे तो एक व्यक्ति इसको अपने में विकास की यात्रा शुरू करता है, तो धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्यों का ध्यान जाता है, फिर उनमें भी ये विकास के बीज पड़ने शुरू होते हैं, वो भी 2-4-6 साल में धीरे धीरे अपने में भाव पर काम करके विकसित होते हैं और मिलजुल कर अन्य परिवारों के लिए भी सहयोगी हो पाते हैं। किसी विद्यालय में, किसी महाविद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में कोई एक व्यक्ति अपने पे ध्यान देकर इस काम को करता है,
धीरे धीरे दो चार छह लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसकी एक टीम बन जाती है, फिर वो अपने विद्यालय महाविद्यालय स्कूल में इस काम को ठीक से कर पाता है। फिर ऐसे कुछ लोग मिलकर जिले में, प्रदेश में, देश में, विश्व में टीम बनाकर इस काम को करते हैं, बिना किसी बाहर के ऑनरेरियम के लालच में, बिना किसी धन के लालच में, एक उसको जिम्मेदारी के रूप में समाज व्यवस्था के लिए कर कर पाते हैं, जो कि उनके स्वयं में व्यवस्था का एक रिफ्लेक्शन है। तो आज के दिन हम लोग देखें तो ये पूरी AICT टीम, अलग अलग जिले की टीम, देश की टीम पिछले कई सालों में विकसित हुई है और इस काम को एक जिम्मेदारी के तहत पूरे समाज में, पूरे परिवार में, पूरे देश में, प्रदेश में, अलग अलग जगहों पर उसको कर रही है, ऑनलाइन रूप में भी, ऑफलाइन रूप में भी। आप सब लोग भी देखें तो स्वयं के विकास के लिए, औरों के विकास में सहयोगी के लिए, सुबह 5 बजे, 5:30 बजे से उठकर 7:30 बजे तक समय लगा रहे हैं रोज। तो ये सारी संभावनाएं पॉसिबल है। इन सब पर आप लोगों के रिफ्लेक्शन को कल सुनेंगे, आज समय हो चला है। तो प्रिया दीदी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आज को कंक्लूड करें। नमस्ते सर।